तो सर देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ मार्केट में लैपटॉप्स की, तो डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे अच्छे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। मतलब देखो, ये तो अच्छा है ही, लेकिन आपकी गर्मा गर्म डिमांड पे मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर बजट में, मतलब 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 इस प्राइस में आखिर आपके लिए कौन से वाले अच्छे अच्छे लैपटॉप हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आगे देखते रहिए लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। मैं आपसे बात करता हूं बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में। देखो ये भी है लिस्ट में, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखो, जो मैकबुक था वो तो हमारी टीजी टीम मेंबर का था, मैंने उधार मांगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने आईपैड के अंदर पूरी लिस्ट के साथ में तयार आपके लिए बेस्ट लैपटॉप्स बताने के लिए। देखो उससे पहले को बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको एक नया लैपटॉप रिक्वायरमेंट ही हो, क्योंकि अगर आपके पास में थोड़ा सा पुराना लैपटॉप भी है, लेकिन अगर उसमें आप करते हैं सिर्फ और सिर्फ रैम और एसएसडी, प्राइमरली एसएसडी का अपग्रेड, तो आपका लैपटॉप समझ लो एक नई ताकतों के साथ में आपके सामने आ जाएगा, तो आपको परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी मिल जाएगी। स्टिल अगर आपको भैया एक नया लैपटॉप लेना ही है, आपका पहला लैपटॉप है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, 50 चीजों के लिए, तो यहाँ पे ना मैंने अभी स्टार्ट किया दोस्तों आपके लिए लिस्ट 30,000 रुपए की रेंज से। बिकॉज देखो, इससे कम जाओगे ना तो कहने को तो लैपटॉप मिल जाते हैं, बट वो रियली यू नो मजेदार ऐसे होते नहीं है, आपको कम से कम इतना तो खर्चा करना पड़ेगा। बट मैंने कोशिश की है कि आपको आपके बजट के अंदर अच्छी डील्स बता दूं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में है एसस का वीवो बुक 14। नाम से मालूम चलता है कि इसके अंदर हमको मिल जाएगा एक 14 इंच का एचडी डिस्प्ले। अब यहाँ पे दोस्तों ये आता है 10th जनरेशन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर के साथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में इसमें 8GB की रैम है, 1TB की हार्ड ड्राइव है, साथ में दोस्तों यहां पे इसके अंदर विंडोज 10 वगैरह हमको मिल जाती है, और जो प्राइस है वो है 30,990 रुपए। अब देखो, इस प्राइस में 8GB रैम का होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आप बस ये लैपटॉप ले लो और इसमें एक SSD लगवा लो, ज्यादा खर्चा लगेगा नहीं, बहुत कम में काम बन जाएगा। उसके बाद में ये लैपटॉप भैया आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और स्पेशली इस प्राइस में जो आपको मिल रही है चीजें, मेरे ख्याल से काफी एक्साइटिंग बनाती है इस वीवो बुक 14 को। तो भाई लिस्ट में आगे है हमारे पास में ऐसे मेरे आईपैड जैसे पतला पतला स्लीक स्लीक है, वैसे ही रियलमी बुक स्लिम। यहाँ पे दोस्तों ये आता है 11th जनरेशन के इंटेल कोर i3 के साथ में। अगेन यहाँ पे हमारे पास में एक 14 इंच का डिस्प्ले है, बट ये एक क्वाड एचडी स्क्रीन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में हमारे पास में अगेन 8GB की रैम है, और इसमें आती है 256GB की SSD। तो यहाँ पे ये कहने के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, और जो प्राइस है वो है 38,999। इस प्राइस में यार देखो, डेफिनेटली जो लैपटॉप है ना वो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, कंसिडरिंग इसमें आपको SSD वगैरह मिल रही है और काफी स्लीक इसका कंप्लीट फॉर्म फैक्टर है, तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मेरे ख्याल से लैपटॉप काफी अच्छा हो सकता है। देखो अगला जो मॉडल है वो है एसएस का वीवो बुक K15। ये 2022 वाला मॉडल है हमारे पास दोस्तों। इसके अंदर है 11th जेन वाला अगेन एक i3 प्रोसेसर, साथ में ये आता है 15.6 इंचेस के स्क्रीन के साथ में। यार देखो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगेन हमारे पास में 8GB की रैम है, 256GB की SSD है, इंटेल के इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स है, और यहां पे दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 40,990 रुपए। तो मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी डील हो सकता है। दोस्तों थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, करीब अगर हम 50,000 की रेंज के अराउंड अगर देखें, तो यार देखो जो मी नोटबुक प्रो है ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास में 11th जेन कोर i5 प्रोसेसर है, साथ दोस्तों यहाँ पे 14 इंचेस का एक क्वाड एचडी स्क्रीन है, लेकिन जो SSD है वो है 512GB की, इंटेल के एक्सी ग्राफिक्स भी है, और यहाँ पे दोस्तों विंडोज 11 साथ में आता है, जो प्राइस है वो है 53,990 रुपीज। इस प्राइस में अगेन एक रिच और प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ में आने वाला ये लैपटॉप हो सकता है फॉर यू नो वर्किंग प्रोफेशनल्स या फॉर स्टूडेंट्स, जो कि है मी नोटबुक प्रो। और अगेन मतलब मैं अभी एकदम बजट में खेल रहा हूं, तो आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट वैल्यू आपको आपके पैसे की मिले, इसलिए लैपटॉप इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। अब मेरे को पता है आपके मन में चल रही है बात है कि भैया गेमिंग का क्या, हमको तो गेम्स भी खेलने हैं, थोड़ी सी और हमको ताकत चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास में है HP Pavilion Ryzen 5 Hexa-Core 5600H। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में अगेन जैसा नाम में ही है, AMD का जो Ryzen 5 प्रोसेसर है 5600H, वो आपको इसमें मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक Hexa-Core चिप है। साथ में दोस्तों हमारे पास में है NVIDIA
एनविडिया का GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड, जहाँ पे 4GB ग्राफिक्स मेमोरी है। साथ में अगेन दोस्तों हमारे पास में 8GB की रैम है, 512GB की SSD है और साथ में है 15.6 इंचेस का डिस्प्ले। और इसकी जो प्राइस है 54,990 रुपए। और देखो इस प्राइस में ना आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है राइजन 5 के साथ में वो बहुत अच्छी मिलेगी और आप इसके अंदर यू नो गेमिंग भी कर सकते हैं, तो उस पॉइंट से भी लैपटॉप काफी अच्छा होगा। अब सबको एक और ऑप्शन दे देता हूँ गेमिंग के लिए ही, जो कि है MSI की तरफ से MSI Modern 14। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में अगेन राइजन 5 इसके अंदर हमको चिप मिल जाती है, साथ में दोस्तों डिस्प्ले इसके अंदर 14 इंच का, 8GB की रैम है, 256GB की यहाँ पे NVMe वाली SSD है और यहाँ पे दोस्तों ये जो आता है कुछ आता है 58,990 रुपीज में। और मेरे ख्याल से इस प्राइस को अगर आप देखोगे ना तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन होगी मेरी तरफ से आपके लिए, जहाँ पे यू नो अगेन गेम वगैरह अगर खेलने हैं, अगर और आपको एक लैपटॉप अच्छा चाहिए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखो अगर आपका मूड है 60,000 के ऊपर जाने का तो गाइस देखो ऑप्शंस तो मार्केट में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत 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 सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं दिल से जो रेकमेंड करूंगा ना वो करूंगा एक मैकबुक को। मतलब देखो आपको जो है वो स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह के साथ में, हो सकता है आपको किसी सेल या किसी ऑफर के टाइम पे, या हो सकता है आपको अगर मार्केट में अच्छी कंडीशन का अगर एक यूज्ड मैकबुक मिल रहा है तो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे 60 से तो एक मैकबुक बड़े आराम से मिल सकता है। जहां पे दोस्तों ये जो मैकबुक है इन पर्टिकुलर मेरे पास में, ये है मैकबुक एयर M1 चिप वाला। क्या कमाल मशीन है, मतलब यार जो परफॉर्मेंस है अगर हम बात कर ले इन जनरल, यू नो आपको जो कंप्लीट इसके अंदर एक रिच एक्सपीरियंस मिलता है ना मैक वाला, वो बहुत ज्यादा आपके एक्सपीरियंस को एलिवेट करेगा। एक लॉन्ग लास्टिंग मशीन है, मतलब एक बार अगर आपने मैक ले लिया तो मतलब 4 साल 5 साल तो कोई दिक्कत मतलब सोचने की बात भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से यार ये लैपटॉप मेरी रिकमेंडेशन होगा। और इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो अगेन यार स्काई इज द लिमिट, मैकबुक प्रो 13, मैकबुक प्रो 14, 16, अगर आपको एकदम हाई एंड गेम्स खेलने हैं तो आपके पास में दोस्तों अगेन देखो ये वीडियो था बेसिकली बजट के लिए, तो बजट के अंदर हमने बात कर ली और मेरे ख्याल से आपको पसंद आ गया होगा। अब वैसे आप बताओ कि आपकी नजर में फेवरेट लैपटॉप आपका कौन सा है और आप क्या करने वाले हैं लैपटॉप के साथ में। वैसे फिलहाल के लिए आपको करना है वो है वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ, ये 2 बार गिर चुका है, अभी 3री बार गिर जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।